दोस्तों आपका स्वागत है केसु चैनल में। अपन माता रानी के दर्शन करने घने बिहड़ में, घने जंगल में, ऊंचे पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे जानवर लोग बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा ना, बंदर नीचे बैठे थे, झाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। ऐसे ही आपको तमाम तरह के जंगली जानवरों के दर्शन होंगे। सावधानी पूर्वक दर्शन करते हुए, एक दूरी बनाते हुए चलना है। देखिए घना बिहड़ है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसी जगह जब जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, मेले ठेले में, कोई यात्रा में जाते हैं, खाली समय नहीं जाना। ये डोंगर गांव का क्षेत्र है जो कि गोंदिया जिला में आता है, और गोंदिया से लगभग 8 किलोमीटर के अंतराल में है। ये घना जंगल है, ऊँचे पहाड़ है। ऐसा नवरात्रि का समय है, माता रानी के दर्शन करने, माता रानी को हाजिरी देने, माता रानी की पूजा करने के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमेशा ग्रुप में आइए, सुरक्षित आइए, सुरक्षित जाइए, क्योंकि घना जंगल है ये। जंगल की अपनी टेरिटरी होती है। बोलो माता रानी की जय। के देखिए कितना खूबसूरत है, सर्वत्र खूबसूरती है, पूरा पूरी प्रकृति अपना सौंदर्य पसारे हुए है। हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उसमें ऊपर माता रानी का मंदिर है। और देखिए रंगीन महरून रंग के, लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं। न जाने छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लोकल हो, आउट ऑफ स्टेशन के हो, न जाने कहां कहां से अपनी मान्यताओं के लिए माता के दर पे आते हैं। बड़ा ही सुख मिलता है जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं। सर्वत्र पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं सर्वत्र, गंगा झरी की पहाड़ियां हैं सर्वत्र, हरा भरा इलाका है, ऊँचे ऊँचे दरख्त हैं। आपको वापस लौटने का मन नहीं करेगा, देखो इतना सुंदर लगता है। मंदिर के सीढ़ियों से जब मैंने वापस देखा, देखिए इतना स्वर्णिम नज़ारा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, माता रानी के मंदिर के अलावा और भी है, भगवान शिव का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। बड़े सुंदर झाड़ पेड़ पौधे हैं। पुजारी जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जय बोलिए माता रानी की जय, माँ आदिशक्ति की जय। माँ आदिशक्ति का मंदिर है, और मंदिर की उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर में इस डोंगर गांव के कुल देवता खरोबा जी का स्थान है, खरोबा देव का स्थान है। जैसे कोई जानवर वगैरह घूम जाता है या कोई आपदा है प्राकृतिक ग्राम में, गाँव में, तो लोग कुल देवता के पास जाते हैं। ये प्रथा थी आदिकाल में, तो वहाँ भी अभी भी लोग जाते हैं। इधर नित्य माता रानी के दर्शन करते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस गांव के कुल देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये ट्रस्ट है, गणपति बप्पा की मूर्ति है, विश्वकर्मा जी की मूर्ति है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप किसी की मेहनत का मूल्यांकन कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ब्यूटीफुल एंड मैथोलॉजिकल वीडियो। आई एम योर होस्ट टी बघेल सर।